जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये प्लांट फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट है जिसका मॉडल GSM15 मॉडल है। गोल्डन स्ट्रीम मिल्स का ये प्लांट है जिसकी प्रोडक्शन एक दिन की 10,000 से 15,000 प्रोडक्शन है। और ये वाला जो प्लांट है ये ब्रिक्स के लिए यूज़ होता है। फ्लाई ऐश जो ब्रिक्स हैं इसके ऊपर आप बनाते हैं। इसका जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पीछे मिक्सर मशीन लगा हुआ है, कन्वेयर बेल्ट है और आगे प्लांट है। मिक्सर मशीन में मटेरियल डालना है, उसके थ्रू कन्वेयर बेल्ट के थ्रू प्लांट में आ जाएगा और इधर से ब्रिक्स बन के बाहर आ जाती हैं। तो आगे से लेबर के लोग खड़े होकर उठा के जोड़ देते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है और कारोबार के हवाले से, इसमें जितना बड़ा प्लांट होगा, प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी, उतना इसमें जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहता है। क्योंकि लेबर जो छोटे प्लांट हैं उन पे भी तकरीबन 5 से 6 लोग ही चाहिए और जो बड़े प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी लेबर अप्रॉक्सीमेटली इतने ही चाहिए। लेकिन जो प्रोडक्शन रेंज है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम पड़ती है और जो सेल रेट है या आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लांट है ये बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में जो यूनिट्स लगे हैं, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में और जो अंदरून पंजाब में या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो यूनिट्स भी इंस्टॉल हो रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनके लिए ये दोबारा वीडियो अपलोड किया ताकि आपको मज़ीद इसके हवाले से गाइड किया जा सके। तो ये इसमें जितना बड़ा प्लांट होगा, क्योंकि इसमें जो दो मेथड हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए जो है हैवी स्ट्रोक चाहिए, हाइड्रोलिक सिस्टम काफ़ी हैवी चाहिए और वाइब्रेशन सिस्टम जो है वो भी काफ़ी हैवी चाहिए, तब जाके जो ये ब्रिक्स है इसकी स्ट्रेंथ आती है। अदरवाइज़ जो मैनुअल सिस्टम है या जो मैनुअल प्लांट हैं, छोटे जो प्लांट हैं, वो इस काम के हवाले से बेकार हैं। क्योंकि जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होती है, लेबर भी ज़्यादा लगती है और जो प्रोडक्शन है वो बड़ी मुश्किल से 1,000, 2,000 या 500 ब्रिक्स की प्रोडक्शन होती है। तो वो सारे का सारा नुकसान है। मीन के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे बिज़नेस करने से पहले, आप अपनी लेबर को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रिक्स की प्रोडक्शन के साथ, तो वो तभी आपको सारा पता चल जाएगा कि वो कारोबार जो है वो नुकसान वाला है। तो ये वाला अगर आपने प्लांट लगाने हैं तो ये कम अज़ कम आप जो प्लांट है, ये वाला सेमी ऑटोमेटिक जो प्लांट है, ये वाला लगाएं ताकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी रहे और जो प्रॉफिट है, जो बिज़नेस है, जो क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें और अच्छे लेवल पे आप जो है वो कारोबार कर सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो इसके हवाले से आप जो है इस प्लांट के हवाले से जो है वो आप गोल्डन स्टील मिल से रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इसकी कोई फिजिबिलिटी अगर आपको चाहिए या इसके हवाले से डिटेल चाहिए मटेरियल के हवाले से, रेसिपी के हवाले से, तो आप गोल्डन स्टील मिल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सब कुछ उनके नॉलेज में होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, उसका बिज़नेस का पूरा जो बिज़नेस मॉडल है वो सब वो जानते हैं। तो अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से या आम किसी यूट्यूबर से बात करेंगे तो वो उनको प्रॉपर चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, तो वो मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो कारोबार है उसमें नुकसान होता है। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप गोल्डन स्टील मिल से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको इसके हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, जो जिस सिटी में आप लगाना चाहते हैं उसके हवाले से वो आपकी कंप्लीट रहनुमाई करेंगे। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बिज़नेस मॉडल के हवाले से, कारोबारी लिहाज से मेथड और होता है, और कुछ प्रोजेक्ट के लिए प्लांट्स लगते हैं जो कि मुख्तलिफ सोसाइटियों के प्रोजेक्ट होते हैं, या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स या फैक्ट्रीज बन रही होती हैं, तो उनको ब्रिक्स नहीं मिलती तो वो वहाँ पे प्लांट लगा लेते हैं। तो उसका मेथड और बिज़नेस का मेथड दोनों में ज़रा फ़र्क होता है, क्योंकि जो कंपनी है वो कम ही कैलकुलेशन करती हैं, क्योंकि उनको मटेरियल के हवाले से अपनी नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो वो प्लांट लगा लेते हैं। लेकिन बिज़नेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।